लास्ट ईयर मैंने रिव्यू किया था सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा और बिल्कुल मजा नहीं आया था, मुझे बहुत बड़ा लगा था वो वाला टैबलेट। हालांकि सैमसंग का आइडिया यही था कि भाई टैबलेट के ऊपर बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन समाओ मेरे को नहीं जमा था। पर इस बार जब मैंने यूज किया ये लेनोवो टैब P12 तो मेरे को बड़ा मजा आया। और ये भी कोई छोटा टैबलेट नहीं है, बड़ा टैबलेट है, 12.7 इंच की स्क्रीन है, बट स्वीट स्पॉट हिट करता है, ना बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है ना बहुत ज्यादा बड़ा। बेस्ट पार्ट है इसकी प्राइसिंग 35,000 रुपीज और उसमें 3K रेजोल्यूशन है, JBL पावर्ड स्पीकर्स है, सॉलिड बैटरी है। और हाथ में लेने से ही पता चलता है कि एकदम प्रीमियम टैबलेट है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, पूरी मेटल की बॉडी दी हुई है यहाँ पर, सरफेस फ्लैट है तो ग्रिप अच्छी है, और इधर नीचे की तरफ लेनोवो की ब्रांडिंग दी हुई है, ऊपर जो है एक ये मार्क है यहाँ पर जो उनका स्टाइलस पेन है उसे लगाने के लिए जगह दी हुई है, और नीचे जो है यहाँ पर पोगो पिन्स भी दिए हुए हैं जिससे कि जो कीबोर्ड एसेसरी है वो कनेक्ट हो जाएगी। दोनों तरफ जो है दो दो स्पीकर्स है तो टोटल जो है 4 स्पीकर का सेटअप मिल रहा है, और टॉप में एक SD कार्ड स्लॉट है, इसमें सिम नहीं डलती है, वाईफाई का ही सपोर्ट है सिर्फ टैबलेट के अंदर, लेकिन जो स्टोरेज है उसको एक्सपैंड किया जा सकता है SD कार्ड स्लॉट से। तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल प्रीमियम है, लेकिन टैबलेट जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, थिक है, भारी है, और ये चीजें जो है ये कुछ ध्यान में रखने वाली हैं। और एक और बात ये कि जो कलर है वो सिर्फ यही ग्रे वाला कलर है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े साइज का सीधा फायदा है बड़ी स्क्रीन और उसका अपना मजा है, 12.7 इंच का LCD डिस्प्ले है, इसके अंदर हाई रेस पैनल है और 60Hz की रिफ्रेश रेट है। अब LCD पैनल है तो वो जो OLED या AMOLED वाली बात नहीं है, उतना वाइब्रेंट पैनल नहीं है, बट हाई रेस स्क्रीन है तो एकदम शार्प है और कंटेंट देखने के लिए नियर परफेक्ट है, जो विजुअल्स हैं वो एकदम शार्प लगते हैं और मज़ा तो आता है देखने के अंदर। मुझे काफ़ी कलर एक्यूरेट भी लगी स्क्रीन और इवन थोड़ी रिफ्लेक्टिव है बट ब्राइटनेस अच्छी है, तो जो टेक्स्ट है, इमेजेस है, ये सब क्लियरली दिखते हैं। मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस टैबलेट से, वो है इसका रिफ्रेश रेट। शॉमी पैड 6 वन प्लस टैब जो दोनों सेम प्राइस पॉइंट पर आते हैं, इनफैक्ट शॉमी पैड 6 तो सस्ता भी है इससे, उनमें 120Hz रिफ्रेश रेट दी हुई है, तो इस प्राइस के हिसाब से कंपटीशन से कम रिफ्रेश रेट, और वो पता चलता है स्पेशली बड़ी स्क्रीन है तो 60Hz से पता चलता है कि जो एनिमेशन है वो कंपैरेटिवली थोड़े से स्लो हैं। बाकी JBL ट्यून स्पीकर से तो मैं काफ़ी रिच साउंड आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो वाली बात नहीं है, मतलब बुरे नहीं है स्पीकर्स, लाउड है, क्लियर है, क्रिस्प है। पहले काम करो कि ऑडियो सैंपल जो है वो सुन लो। हो सकता हो जाएगा होपफुली, सो लेट्स सी ये चीज कितनी आगे जाती है। इसके अलावा सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा क्या रहता है भाई, पिक्चरें। आशरी तुम पहले एक्स से कहो इमरान हाशमी की, तब तक मैं जवान। अब जैसे मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि स्पीकर्स बुरे हैं, मतलब स्टीरियो इफेक्ट भी जो है वो अच्छा है, लेकिन समहाउ जो पंच है, जो एक थोड़ा सा अलग सा इंपैक्ट होता है वो मिसिंग है। परफॉर्मेंस इस टैबलेट की ठीक है, लेनोवो ने यहाँ पर डायमेंसिटी 7050 चिप यूज किया, ये एक मिड टेयर चिप है, साथ में 8GB LPDDR4X रैम है, और जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों से, जो जनरल यूज एंड नेविगेशन है, इन सब में एक सॉलिड परफॉर्मेंस मिलती है और टैबलेट ओवरऑल मेरे को काफी स्मूथ फील हुआ। स्टोरेज 128GB की ही है बट क्योंकि SD कार्ड स्लॉट है तो वो वहां पर बढ़ जाएगी, और ओवरऑल परफॉर्मेंस ओके ही है। Antutu और Geekbench स्कोर्स दोनों जो है वो इसके वन प्लस टैब से कम है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वन प्लस टैब जो है वो अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी पावरफुल टैबलेट था। इनफैक्ट हमने तो ये बोला था कि पंचेस अबव इट्स वेट, तो जितना मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा वहाँ पे मिल रहा था, तो ये उसके सामने ज़रूर थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कोई वीक नहीं है, अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी सॉलिड टैबलेट है। मल्टीटास्किंग में एकदम स्मूथ है, कैजुअल गेम्स भी आराम से चल रहे थे, और सबसे बढ़िया बात यह है कि एसेसरी सपोर्ट दिया हुआ है, स्टाइलस का भी सपोर्ट है, कीबोर्ड का भी सपोर्ट है। हालांकि मेरे पास ये दोनों नहीं है तो इसलिए मैं इन्हें यूज़ करके नहीं बता सकता, लेकिन अगर जिन लोगों को और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी के लिए इसे यूज़ करना है, सिंस देयर इज़ अ सपोर्ट, आप वो परचेज करके अलग से इसके साथ वो भी यूज़ कर सकते हो। बाकी एक प्रॉब्लम अगर मुझे पॉइंट आउट करनी हो तो वो ये है कि सिम ना होने की वजह से जो थोड़ा सा है लिमिटेशन हो जाती है, कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पर कंप्लीटली वाईफाई के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कुछ डाउनलोड करके रखना पड़ेगा देखने के लिए, और मुझे लगता है कि यार एटलीस्ट ऑप्शन तो होना चाहिए।
ठीक है, आप एक वेरिएंट निकाल दो विदाउट सिम स्लॉट, बट एक वेरिएंट के अंदर आप सिम का सपोर्ट भी दो, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट के अंदर, बिकॉज कोई भी और नहीं दे रहा है। बाकी आगे पीछे दोनों तरफ कैमरा दिया हुआ है, जो फ्रंट कैमरा है उसकी पोजीशनिंग एकदम सेंटर में है, ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, और जो पीछे दे रखा है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं। तो ये वाला वीडियो जो है फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली काफ़ी बढ़िया सनलाइट आ रही है इस वक्त, और ठीक है क्वालिटी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा मुझे लगा कि हल्का सा सॉफ्ट ज़रूर है, बट ओवरऑल नॉट अ बैड क्वालिटी एक्चुअली। और वीडियो कॉल्स के लिए मेरे हिसाब से आपको माइक्रोफोन का आइडिया भी लग जाएगा कैसा है, तो यस। और वीडियो कॉल्स के लिए AI ट्रैकिंग वाला फीचर भी दिया हुआ है, जो बेसिकली आपको फ्रेम के बीच में रखता है, और वीडियो कॉल्स के लिए मुझे लगा ओवरऑल ये टैबलेट ठीक है, बट फोटोज वगैरह के लिए ऑब्वियसली इसके ऊपर ज़्यादा रिलाय मत करना। बैटरी सॉलिड दिया, मतलब खत्म ही नहीं होती है, 10,200 mAh टू बी प्रिसाइज, यानी कि आप मान लो दो फोन्स ले लो उनकी बैटरी को आप मिला लो उतना बैटरी बैकअप, और सॉलिड बैटरी बैकअप है। 2 घंटा यूट्यूब चलाया था, ऑलमोस्ट 7% बैटरी ड्रेन हुई थी, और 1 घंटा गेम खेलने पर करीब 10%, तो ओवरऑल मुझे आराम से 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस टैबलेट पे कंसिस्टेंटली मिल रहा था, विच इज वेरी वेरी गुड। 30 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है, बट 20 वॉट का ही चार्जर दे रहे हैं, बॉक्स के अंदर छोटू सा चार्जर है, और ये बहुत टाइम लेता है चार्ज करने में, 2 घंटे के ऊपर आराम से लग जाते हैं, 2.5 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं पूरा लैपटॉप 0 to 100% चार्ज होने में। ऑलराइट, तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो टैबलेट है ये कोई बहुत ज्यादा सॉलिड या परफॉर्मेंस ड्रिवन टैबलेट तो नहीं है, उस एस्पेक्ट में OnePlus Tab एनी डे इसको बीट करता है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, लेकिन एज एन ऑलराउंड पैकेज दिस हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। सबसे पहले हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 3K डिस्प्ले, ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस, आपका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत सॉलिड है, JBL ट्यून स्पीकर, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर्क फॉर दिस टैबलेट। प्राइसिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 35,000 rupees, और मेरा ये मानना है कि अगर जस्ट इन केस आप मार्केट में प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए टैबलेट लेने के लिए हो, आपको वीडियोस देखने के लिए, ट्रैवल के टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ देखने के लिए ही एक टैबलेट चाहिए, तो फिर व्हाई नॉट टेक दिस वन, बिकॉज बड़ा स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिल रहा है। और सिर्फ इसलिए जो है मेरी रेटिंग इस टैबलेट के लिए है 7.5 out of 10। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा Lenovo Tab P12 के, आप सब कोई कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो या कुछ और क्वेश्चन हो दिमाग में जो मुझसे मिस हो गया वो भी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगती है ना वीडियोस तो फाइबर विद डबल आई FIIBER इंडिया रोडे का प्रॉपर्टी है, हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, तभी ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज मिलेंगे आपको।